बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है, 13 तो 13 सीटें जीतेंगे, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति चल रही है। मैं छोटे ग्रुप पांच बैन की लड़ने हूँ जो रोप लाने की लाते हूँ वोटा पै रही। यार अब पंजाब सरकार 2.5 साल हो गए, जो असलियत है लोगों को मालूम है। डेफिनेटली आएगी, मतलब उसमें 1% भी शक नहीं। क्यों आएगी? कि देश हमारा बड़ा जागरूक है, डेमोक्रेसी को बड़ी अच्छी तरह उनके जमी है, तो वो वही फैसला करेंगे जो उनके और देश के लिए फायदा होगा। कभी कोई गलत फैसला नहीं करता कि जो उसके खिलाफ हो जाए देश के। अब और मुकाबले में उनमें कोई है ही नहीं। कई दफ़ा लोगों को मजबूरी पार्टी के लिए वोटें डालनी पड़ती हैं, लेकिन जो आम 80% जनता है, जो कमिटेड पार्टी में नहीं है, वो सब सोचते हैं कि मोदी साहब के आने से ही देश महफूज है। मोदी साहब का एक तजर्बेकार होना, उसका ग्रास रूट लीडर होना और देश को इतना ऊंचा ले जाना 5 सालों में, एक मिसाल है जो कि बहुत कम लोगों में है। कौन कौन से मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? मुद्दे पहला था गुड गवर्नेंस, जो मोदी साहब दे सकते हैं। देश की हुकूमत चलानी है, कोई छोटी सी बात नहीं है कि स्टेट की जाए, गांव की हुकूमत चलानी, कंट्री की हुकूमत चलानी, तो उसके लिए तो कोई तजर्बेकार आदमी है जो चला सकता है और अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। पंजाब की सीटों को लेकर कितनी सीटें अकाली दल भाजपा को मिलेगी? भैया सारी सीटें आएंगी, सब पार्टियाँ यही कहेंगी, आप सामने आ जाएगा 2 दिनों में।